हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज हम लोग बात करेंगे जो है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल हम लोग हल करेंगे, तीन क्वेश्चन आज हम लोग हल करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, यानी क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्क्रीन पर आएगा, आप उसको ध्यान से पढ़िए और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके या तो रोक करके क्वेश्चन को लिखिए। ठीक है, और इस गारंटी को आप रखिएगा दिमाग में, आप इसको अच्छे से समझिएगा कि जितने क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं यह मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर न्यूमेरिकल आते हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, 100 में 100% हमको लाना है तो हमको न्यूमेरिकल 100 में 100 करना पड़ेगा। हर तरीके से परिश्रम को करना अनिवार्य है। ठीक है, किसी तरीके से ही नहीं है कि आप आराम से आप बोर्ड के एग्जाम 12 के पास हो सकते हो, ऐसा नहीं होने वाला है। आप एकदम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। न्यूमेरिकल के लिए तो एकदम बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सीखते चलेंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन यू। ठीक, आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। निर्वातित माध्यम में, क्या बोला है, निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। क्या सवाल, अगर ध्यान दीजिएगा, सवाल एक बार में अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप सवाल बार बार इसको पढ़िएगा कि सवाल क्या कह रहा है। निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की बात बोल रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर वन है, क्या है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम होता है। ठीक, ऐसे लिखते चलेंगे। उसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर, यानी एक इलेक्ट्रॉन मान के चलिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है आवेश के तरीके से, तो यहां से r बराबर कितनी दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर, कहा है 2 मीटर की दूरी पर, यानी r बराबर आप क्या लिखोगे, 2 मीटर की दूरी पर। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्राप्त करना है, ई का मान आपको बताना है कि यहां पर कितना होगा। तो जैसे हम लोग फार्मूला याद करते हैं, यानी न्यूमेरिकल थ्योरी हम लोग पढ़े होंगे कि किसी बिंदु से, किसी बिंदु आवेश से कुछ दूरी, यानी आर दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम लोग किए थे फार्मूला, यानी क्या था, ई पी बराबर क्या था, आप लिखे होंगे के क्यू अपान क्या लिखे होंगे, स्मॉल आर का स्क्वायर, यही फार्मूला हम लोग लिखे होंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यानी यही फार्मूला हम लगाएंगे, या तो यह फार्मूला पढ़े होंगे या तो इसको पढ़े होंगे, 4πε0 × क्या है, क्यू अपान आर का स्क्वायर, यह फार्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग नोट करेंगे। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, यानी हम लिखेंगे हम जानते हैं क्या फार्मूला, यानी ईपी बराबर क्या होगा, ईपी बराबर के का मान कितना होता है, 9×10⁹ क्यू का मान कितना है, क्यू यानी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6×10⁻¹⁹ यहां पर इतना हो जाएगा आर का स्क्वायर, यानी आर कितना है, 2 है, यानी 2, यानी आर स्क्वायर करेंगे, 2×2 करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि यहां पर हम लोग काट करते हैं, यानी 2×2=4, 4 से काटेंगे 4×4=16, यानी 0.4 बार में कट जाएगा, 9×9=36, यानी 36 होगा, लेकिन एक अंक पर 0.10⁻¹⁹ है, 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10, क्या -10 बचेगा, क्या बचा, न्यूटन प्रति कूलम बचा। ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, यो ही क्वेश्चन क्या है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहां पर देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक, अब एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक फिगर बनाया है। ठीक है, एक फिगर क्वेश्चन में आपको बनाया गया होगा कि ऐसे बनाया गया है यहां पर, और बोला है पहले क्या है, ए पॉइंट पर 10 माइक्रो कूलम है, उसके बाद बी पॉइंट पर दिया हुआ है -5 माइक्रो कूलम, ऐसे दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि कहीं बिंदु पी है, मान के चलिए यहां पर बिंदु पी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना है, यानी यहां पर ज्ञात करना है आपको। ठीक, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी यहां पर +10 माइक्रो कूलम है, यहां पर -5 माइक्रो कूलम है, ध्यान दो मुन्ना, यहां पर 10 प्लस माइक्रो कूलम, यहां पर -5
माइक्रोकुलम ऐसे दिया हुआ है। तो हम करते क्या है, यानी कहीं से आप देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से सिखाया होगा गया होगा कि यहां प्लस से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा दूर जाती है, कहां आवेश प्लस से हमेशा अनंत की तरफ जाती है और माइनस चार्ज जो होता है अपनी तरफ अनंत से बुलाया जाता है। ठीक, ऐसे आ जा, इस तरीके से बुलाया जाता है कि माइनस पर अनंत से आती है और प्लस से अनंत की ओर जाती है। तो हम कहेंगे क्या है कि यह प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज वाला आवेश इसको क्या करेगा, धक्का देगा। तो धक्का देगा यानी दूर जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, ऐसे दिखाया जाएगा, यानी इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इवन। ठीक, यानी आप कहोगे प्लस के कारण यानी इवन, इसके वजह से यहां पर, तो आप लिख सकते हो ई ए की वजह से। ठीक, ऐसे यहां पर बी की वजह से यानी माइनस है तो यह अपनी तरफ बुला रहा है, तो इसको हम दिखाएंगे ऐसे, यानी ई बी ऐसे दिखा दिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर हमको निकालना है, यहां पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यही गणना करना है हमको। ठीक है, तो हम इसका गणना करने के लिए एक फॉर्मूला आप सीखे होंगे कि ई नेट निकालने के लिए, ई नेट निकालने के लिए अंडर रूट में क्या करते हैं, ई वन का स्क्वायर प्लस ई टू का स्क्वायर प्लस टू ई वन इंटू ई टू कॉस थीटा, यानी यहां पर एंगल हमको देखना पड़ता है। ठीक, तो पहले हम सवाल में लिखेंगे और ये दूरी दिया हुआ है, दूरी भी दिया है कितना, ए और बी के बीच की दूरी दिया हुआ है कितना, एक मीटर, एक मीटर दिया हुआ है। उसके बाद और दूरी दिया है बिंदु पी तक, पी तक दूरी कितना दिया हुआ है, पी तक दिया हुआ है आपका एक मीटर, यह भी दिया हुआ है एक मीटर यहां से यहां तक। तो अब हम सवाल हल करेंगे। ठीक, यानी हम लिखेंगे क्या, पहले फार्मूला आप जानते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर दो क्या है, देखिए आप थोड़ा लगाइए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को कह रहा है कि इतना आपसे निकालना है नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर। ठीक है, पी पर, तो हम पहले ई ए के वजह से निकालेंगे, अब फार्मूला तो लगाएंगे, बेसिक फार्मूला आप तो जानते हैं, ई पी बराबर क्या होता है, के क्यू अपान आर का स्क्वायर होता है। ठीक, यहां पर होता है, तो आप लगाएंगे पी ए के वजह से है, तो ई ए के वजह से आप क्या होगा, के क्यू अब बटे क्या होगा, आर का स्क्वायर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देना है इस बात को कि k का मान तो 9 गुणित 10 के पावर 9 हो गया, इंटू इस q का मान यहां पर a पर कितना है, 10 माइक्रोकुलम है, माइक्रोकुलम है यानी 10 के पावर माइनस 6 कर देंगे। ठीक, इंटू यहां पर दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, p तक निकालना है, यहां से यहां तक की दूरी एक मीटर, एक मीटर कितना टोटल हो जाएगा, 2 मीटर, यानी 2 इंटू 2 लिखेंगे आप, इस बात को ध्यान देंगे कि इतना हम लिखेंगे। ठीक, ऐसा हो जाएगा, फिर से हम काट देते हैं, 2 5 हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा। ठीक, ऐसा यानी 4.5 ये 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हम करेंगे क्या कि इसको हम हल करते हैं, तो यहां पर हम इसको काट इंटू करेंगे, तो 5 5 25 हंसे लगा 2, 5 5 25 हंसे लगा 2, यहां 5 4 20 20 2 22 यानी 225 एक अंक पर दशमलव, यानी 22.5 गुणते 10 के पावर -6 है, 10 के पावर 9 है, यहां से जब हम हल करेंगे घात को तो यहां से बचेगा कितना, 10 के पावर माइनस 10 के पावर प्लस 3 बचेगा, प्लस 3 बचा। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2.25 गुणित 10 के पावर 4 इतना आ गया, ई ए के वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए के वजह से प्राप्त किए। अब हम करेंगे क्या, ई बी के वजह से हम प्राप्त करें क्या, ई बी के वजह से कितना आएगा, यानी ई बी के वजह से अगर हम निकालें, ई बी के वजह से तो यही लिखेंगे के क्यू अपान आर का स्क्वायर, फिर यहां पर क्या लिखेंगे, के का मान 9 गुणित 10 के पावर 9 इंटू क्यू का मान कितना है, यहां पर चिन्ह के साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आवेश को नहीं रखते हैं, केवल कितना वैल्यू है उसको रखेंगे, क्या रखेंगे, 5 गुणित माइक्रो में है, 10 के पावर -6 कर दीजिए नीचे। अब यहां पर देखिए, बी से पी तक की दूरी कितना है, 1 मीटर, इसलिए यहां से यहां तक की दूरी 1 मीटर ही रखेंगे, यानी 1 का स्क्वायर यानी वही रहेगा। ठीक, यहां पर हम लिखेंगे 9 बचे 45, 45 गुणित 10 के पावर कितना हो गया, यहां से घटेगा 9 आ जाएगा, यहां पर 9 हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं यहां पर 3 बचा। ठीक, अब बात को ध्यान देंगे कि इसको हमको बनाना है, तो हम लिख देंगे 4.5 गुणित 10 के पावर 4 लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम, यहां पर भी क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। ई बी के वजह से निकल गया, ई ए के वजह से निकल गया।
ठीक यहां पर ऐसे है। तो अब आपको ध्यान देना है, नेट निकालना है। जरा आप बताइए, यहां पर ई ए के वजह से डायरेक्शन इधर, बी के वजह से डायरेक्शन इधर, तो इन दोनों के बीच का डायरेक्शन कितना बनेगा? यानी एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, दूसरा इधर है, तो उनके बीच का डायरेक्शन कितना, एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। और कास 180 डिग्री का मान अगर हम यहां पर रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस में, यानी ई नेट अगर निकालेंगे हम तो आपका फार्मूला हो जाएगा, ई नेट का मान निकालेंगे हम यहां पर, ई नेट का मान निकालेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे ई ए और माइनस क्या होगा, ई बी होगा। ठीक, यही चीज होगा यहां पर, ई ए क्या होगा, माइनस घट जाएगा। ठीक, तो यहां पर इतना हो जाएगा। तो अब यहां पर हमको देखना है मान लिखकर, यानी ई ए का मान कितना है यहां पर, इतना। ठीक, ई ए का मान है यहां पर इतना है 4.5 और इतना है। तो अगर हम कहेंगे कि ज्यादा वाले में से कम को हम घटा देते हैं, तो ज्यादा वाला क्या है यहां पर, मान के चलिए ई ए है माइनस ई, यहां पर अंतर लिख सकते हैं या तो माइनस में लिख लो, क्या है करते हैं क्या, ई ए के वजह से यहां ई बी माइनस क्या, तो यहां पर लिखेंगे 4.5 गुणित्ते 10^4 माइनस, यहां पर लिखेंगे 2.25 गुणित्ते 10^4, यानी घटाएंगे जब हम तो यहां प्राप्त होगा क्या, 2.25 गुणित्ते 10^4 न्यूटन प्रति कूलम, यानी नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी इसकी। ठीक है, तो यहां पर यह भी बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बी पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट पर आवेश रख दिए जाते हैं, उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे निकाला जाता है। हो सकता है कि यह दोनों प्लस होता तो दोनों आगे की ओर डायरेक्शन बताता, अगर यहां पर दोनों विपरीत है यानी एक का डायरेक्शन इधर एक का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस बात को आप दिमाग में बैठाओ, दिमाग में बैठाओ, और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं आप प्रैक्टिस करो, नहीं हम खुद प्रैक्टिस करवाएंगे सभी क्वेश्चनों का, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हम करवाने वाले हैं, घबराइएगा मत। क्वेश्चन आप, हम लोग फिजिक्स के एकदम क्वेश्चन आप कहिए तो जेई और क्या होते हैं नीट वगैरह में जितने क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आते हैं, उन सब क्वेश्चनों का भी हम लोग हल करेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा धीरज रखिए, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं कि करने का। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन एक है दूसरा, अब इसको जरा हम रख, हाँ देखिए क्या है आपका यहां पर क्वेश्चन क्या है, यह फिगर है बना हुआ, ए पॉइंट है और यहां पर बी पॉइंट है, तो यहां पर अगर कहा जाए तो सी पॉइंट पर रखा हुआ है, और इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर दिखा रहा है, और यहां पर क्या होगा आपका ई टू के वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आवेश रखा हुआ है क्या, यानी इसके ऊपर आवेश रखा हुआ है प्लस 1.2 × 10^10 कितना रखा हुआ है आवेश, -8 है। आप तो क्वेश्चन में पढ़िए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, यहां पर रखा हुआ है -1.6 गुणित 10^-8 कूलम रखा हुआ है। ठीक, यहां पर ऐसे है, और इसकी दूरी दी हुई है, इसकी दूरी दी हुई है क्या, यहां पर 5 सेंटीमीटर, ठीक, उसके बाद इनके बीच की 3 सेंटीमीटर, यहां पर 4 सेंटीमीटर बनाया गया है। ठीक, तो हमें निकालना है सी पर, क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी के बीच की दूरियां प्रदर्शित है, बिंदु ए बी के कारण क्रमशः इतने आवेश हैं स्थित है, सी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा ज्ञात करना है। तो अगर कहा जाए तीव्रता निकालने के लिए कहा जाए, तो यहां पर इनका डायरेक्शन अगर हम देखें तो इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर नेट आएगा, यानी ई नेट आएगा। ठीक है, यहां पर हम मिलाते हैं इस तरीके से, तो इसका डायरेक्शन तो यहां पर हम देखने के लिए मिलेगा कि थीटा यहां से ऐसा होगा, लेकिन हम नेट पहले ही निकालेंगे कि नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हम बात करेंगे पहले, जैसे हम कर रहे थे क्वेश्चन वैसे ही करेंगे, पहले ए के वजह से निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर बी के वजह से निकालेंगे कितनी दूरी पर है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहले एक बात याद रखना चाहिए कि यहां पर जो 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यहां पर आपको ध्यान देना है कि यह एक तरीके का ट्रिपल एंगल है, यानी हम कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय को लागू करता है। तो यहां पर एंगल कितना बनेगा, यहां पर एंगल 60 ही एंगल बनेगा,
60 नहीं बन सकता है, 90 डिग्री बनेगा। यहां पर कितना बनेगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि समकोण के एंगल होंगे। यानी एक त्रिभुज होगा जो समकोण त्रिभुज को कहलाएगा, यानी जिसमें ट्रिपलेट बनते हैं 5 और 3, यानी यह कर्ण होगा या आधार, या तो यह आधार होगा या लंब होगा। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन होगा तो यहां पर 3, 4 और 5 है, इसको सेंटीमीटर में दिया है, इसको आप करेंगे क्या, पहले मीटर में बदलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है क्वेश्चन, यहां पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ई ए के वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी के क्यू अपान क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर। यहां पर हम निकालेंगे के का मान कितना रखेंगे, 9×10^9 इंटू क्यू का मान यहां पर ए पर कितना है, 1.2×10^ कितना, -8 है। यहां पर हो जाएगा आर, आर यहां से यहां तक कितनी दूरी पर है, यानी सी पर निकालना है, तो 3×10^3 कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर है, इस बात को ध्यान देंगे, सेंटीमीटर यानी 2 है, यानी एक बार ऐसे आपको समझा दें, यानी 3×10^-2 × 3×10^-2, क्योंकि स्क्वायर है, दो बार हमको करना पड़ेगा इंटू। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे कितना, 3×9 ये तो कट जाएगा यहां से। ठीक, यहां पर बचा कितना, 10^-4 ऊपर चला जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे 1.2×10^ कितना हो जाएगा, 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1 बचा, यानी 1 बचा यहां से 2 और यहां से 2 ऊपर जाएगा, × 10^ कितना बचेगा, 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1.2×10^ कितना होगा, 5 न्यूटन प्रति कूलम, इतना आ गया ए के वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर। ठीक, आगे हम कहेंगे ई बी की वजह से निकालेंगे, ई बी की वजह से कितना होगा, यानी के क्यू अपान कितना रखेंगे, आर का स्क्वायर, यानी के का मान 9×10^9 इंटू क्यू का मान यहां पर कितना है, माइनस चिन्ह के साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया जाए, बस हम चिन्ह लगाते हैं इसलिए क्योंकि डायरेक्शन देख पाए। ठीक, ई के वजह से, माइनस की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर दिखाया है, प्लस की वजह से दूर दिखाया है। ठीक, इस बात को ध्यान देंगे, यहां पर इतना रखें 1.6, इतना 10^-8, यहां पर देखेंगे इसके बीच की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, यानी 4×10^-2 × 4×10^-2 यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, 4×16 कट जाएगा, 0.1 आएगा यहां पर। ठीक, 4×16 यानी 16×16 कट तो गया, यहां पर 0.1 आया। फिर इसके बाद इस पावर को ऊपर भेज देंगे, फिर वही काम हो जाएगा, 9×1=9 हो जाएगा यहां पर। ठीक, 9×1=9 हो जाएगा यहां पर, तो आप लिखोगे कितना, यहां पर 9 का इंटू करेंगे, यानी कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। ठीक, 0.9 आ जाएगा इंटू 10^9 है, यहां पर 1 बचा, फिर बचा यहां पर कितना, 5। ठीक, यहां पर देखे 2×2=4 है, 4 ऊपर जाएगा, 8 इसमें से घट जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा, यानी आ जाएगा आपका लगभग 10^5, यानी इसको हमको हल करना है, यानी इतना आ जाएगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान देंगे। आगे अगर हम देखते हैं इसी में, आगे प्रोसेस निकालते हैं कैसे होगा, आगे अब हम निकालेंगे नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी cos 180 बनेगा। कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या है आपका, ई नेट बराबर क्या होगा, ई नेट बराबर होगा अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1E2 cos थीटा। ठीक, cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। जब cos 90 का मान 0 हो जाएगा तो यहां से यहां तक का टोटल मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर हमको हल करना पड़ेगा। ठीक, यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, जब E नेट निकालेंगे हम तो क्या लिखेंगे, यहां पर अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, यही ना बचेगा केवल, यहां तक तो 0 हो जाएगा आपका, यहां पर अंदर लिखेंगे तो E1 या तो A की वजह से कितना आया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर 1.2×10^5 है, इसका वर्ग किया जाएगा। ठीक, ऐसा प्लस E2 का मान कितना आया है, यहां पर आया है 0.9×10^5, इसका वर्ग कर दिया जाएगा। ठीक, यहां पर ऐसा होगा,
यहां पर इसी चीज को अगर हम दो दो बार लिखते हैं, ध्यान देंगे, इसी का अगर हम दो दो बार लिख रहे हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट में कहेंगे तो यहां पर होगा क्या, 1.2 × 10^5 इंटू 1.2 × 10^5 और प्लस, ये देखो बीच में इंटू है, यहां पर प्लस है, यहां पर 0.9 × 10^5 होगा। ठीक, इस बात को ध्यान देंगे, जब इतना लिखा हुआ है तो अंदर से हम अंडर रूट से बाहर क्या करेंगे, अंडर रूट से बाहर पहले तो हम ध्यान देंगे कि इन दोनों में से 10 यानी 10^5 यानी अंडर रूट में से यह निकलेगा तो इसमें से आधा आएगा, तो आधा आएगा तो हम लिख सकते हैं 10^5 कितना, या तो 1.2 यहां से निकालेंगे, यहां पर 2 है ना, इसमें से 2 है तो आप निकाल लोगे क्या, अच्छा अगर हम कह देते हैं इन दोनों का इंटू कर दिया जाए, 10^5 यहां पर से है, यानी ये बाहर अंडर रूट से हम करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 10^5 ही बाहर आएगा, क्योंकि इन दोनों में से अगर कॉमन हम लेंगे, देख लीजिए एक बार, 101.4 यहां पर 12 को वर्क किया जाएगा तो 144 यानी 2 अंक हो जाएगा, तो 14 कितना होगा 4, 144 यानी 14.4 यहां पर हो जाएगा 1.44 होगा क्योंकि 2 अंक पर दशमलव, और यहां पर अगर हम कहेंगे इंटू 10^5 कितना हो जाएगा, 10^5 यहां पर 10 हो जाएगा, ठीक, इंटू तो है यहां पर 10^10 हो जाएगा, ठीक, अगर हम कहेंगे प्लस यहां पर 81 हो जाएगा, 81 यानी आपका 81 लिखेंगे लेकिन कितने अंक पर दशमलव, 2 अंक पर, तो इतना हो जाएगा इंटू 10^5 कितना होगा 10 होगा। ठीक, अब ध्यान देना है आपको, इन दशमलव को तो हम जोड़ सकते हैं, यानी इनको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2.25 × 10^10 होगा, तो आपका बाहर से आएगा यानी आंसर कितना आएगा, बाहर जब निकलेगा तो यहां से यह 225 यानी यह 1.5 × 10^5 इतना आएगा नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का मान यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, 1.5 × 10^5 न्यूटन प्रति कूलम। अभी इसमें देखना है, सवाल में कहा है कि इसकी दिशा भी बताइए, जब दिशा बताने के लिए होता है तो टेन थीटा का हम प्रयोग करेंगे, ठीक, टेन थीटा देखेंगे, तो टेन थीटा अगर हम निकालेंगे, पहले हम क्या किए हैं, पहले ई के वजह से, ए के वजह से निकाले, फिर बी के वजह से निकाले, फिर दोनों का हम नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दिए, 90° है यानी सम कोण है सी पर, इसलिए 90 रखेंगे, जब 90 रखेंगे काश 90 का मान कितना होता है 0 होता है, इसलिए टोटल यहां से यहां तक का मान 0 हो जाएगा, फिर हम नेट निकाल देते हैं। ठीक, ऐसे अगर हम थीटा का मान निकाले यानी दिशा का मान निकाले, जब दिशा का मान निकाले तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या होगा, दिशा का मान क्या है, यानी टेन थीटा बराबर यहां से अगर कहा जाए, टेन थीटा बराबर यहां से हो जाएगा आपका E2, यानी क्या हो जाएगा E2 का मान, यानी यहां पर देखिए इस वाले थीटा में देखना है, टेन थीटा लगाना है, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब बटे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा इस थीटा में ये लंब हो जाएगा, यानी E2 का मान कितना हो जाएगा, यहां पर E2 का मान यहां पर ये लंब होगा, ये उसका क्या होगा आधार होगा, तो यहां पर लंब है या आधार है, तो ई जितना है E2 का मान उतने E2 का मान यहां पर भी होगा, तो इसलिए हम लखेंगे लंब का मान कितना होगा E2, अब बटे क्या होगा आधार का मान कितना होगा, आधार यानी E1 का मान, तो आप निकालोगे यहां से तो कितना लिखोगे E2 का मान कितना है, E2 का मान आपका आया है कितना, यानी E2 का मान आ जाएगा आपका लास्ट में यहां E2 यानी EB का मान, यहां पर 0.9 × 10^5 कितना है 5 है, यहां पर E1 का मान कितना है 1.2 × 10^5 यानी तो खत्म, यहां पर कितना होएगा 0.05 हट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 9/12 यानी 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 3 = 12 यानी होगा कितना 0.0, ठीक है, इसका एंगल का मान दिया रहेगा आपको 0.75 आएगा, 0.75 आएगा किसके बराबर, टेन थीटा का मान, तो थीटा बराबर कितना होगा, तो टेन इनवर्स 0.75
सात पांच इतना उसका क्या होगा डायरेक्शन यानी उसकी दिशा होगी यहां से। ठीक है, इस सवाल को ऐसे सवाल आएगा जो हम आपको सवाल की थ्योरी टेक्निक बताए हैं कि इसी के आधार पर सवाल लगेगा, उसी के आधार पर हम लोग सवाल सीख रहे हैं। जो बच्चा अगर सीख नहीं पाया यानी वहां पर जहां पर हम सिखाए हैं इस टेक्निक कि कैसे हम डायरेक्शन देखेंगे, तो इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में क्या कर रहेंगे लिंक डाल देंगे, जिसके वजह से आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आप अच्छे से सीख पाओ और अपने आसानी तरीके से आप अपने स्वयं लगाओ बैठकर सवाल को। एक बार नहीं आएगा, दूसरे बार में आएगा, दूसरे बार नहीं आएगा, तीसरे बार में, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि टेक्निक जो हम लोग सिखाए हैं यानी हम जो टेक्निक लगा रहे हैं इसमें सीख रहे हैं हम लोग, उसी तरीके से सवाल को एकदम सिंपल तरीके से हम लोग सीख पाएंगे। ठीक है, तो आप इस सवाल को स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, ठीक, तो आप इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद पहले, और जितने लोग जिस बच्चे को अगर नया वीडियो जा रहा है यानी आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो से आप सवाल न्यूमेरिकल, आपको फिजिक्स हम बता रहे हैं ना कि फिजिक्स के सवाल आपको एकदम मान के चलिए एकदम सिंपल तरीके से सिखाया जाएगा, जो बेसिक तरीके से जो आराम से सिखाया जाएगा, डायरेक्शन कैसे निकाला जाए, कैसे गुणा भाग किया जाए, कैसे रूट से बाहर निकाला जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से सिखाया जाएगा। तो इस चैनल पर आपको बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।